सरकार और श्री आरासुरी अम्बा जी माता देवस्थान ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत आधुनिक टेक्नोलॉजी से निर्मित जय मां अम्बे 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो में आप सभी दर्शक गण का हार्दिक स्वागत है। ये वो पावन भूमि है जहां एक जीवन में एक साथ एक ही स्थान पर दर्शन की सोच के अंतर्गत सभी श्रद्धालु गण श्री 51 शक्ति पीठों के सौभाग्यपूर्ण दर्शन पाकर धन्य हो सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया शो के दौरान अपने मोबाइल फोन बंद कर दें और अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाएं। धन्यवाद। से बहिष्कृत रहोगे।
किसी भी यज्ञ में पूजा नहीं जाएगी। प्रजापति दक्ष के इस श्राप से तो मानो जैसे पूरे संसार में पूजा पाठ करना ही निषेध हो गया था। शिव की आराधना किए बिना भला कोई यज्ञ कैसे आयोजित कर सकता है। तब नारद मुनि अपने भ्राता दक्ष को समझाने उनके पास पहुंचे और उनसे कहा, नारायण नारायण भ्राता दक्ष, क्रोध के वशीभूत आपने तो देवों के देव महादेव को ही श्राप दे दिया। ऐसा लगता है कि संसार में ना तो अब पूजा पाठ होंगे और ना ही यज्ञ होंगे, क्योंकि महादेव की आराधना किए बिना तो सब पूजन विधान अधूरे ही रहेंगे। यह केवल आपका भ्रम है भ्राता नारद, केवल भ्रम। आपको और समस्त संसार वासियों को अगर ये भ्रम है कि उस अघोरी शिव के बिना पूजा पाठ या यज्ञ नहीं हो सकते, तो मैं स्वयं ही एक यज्ञ का आयोजन कर सभी की शंकाओं पर पूर्ण विराम लगा दूंगा। प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक उत्तम यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए प्रजापति ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र एवं सभी अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु अपनी बात सिद्ध करने हेतु उन्होंने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को ये ज्ञात हुआ तो वो स्वयं ही यज्ञ में सम्मिलित होने एवं अपने पिता से मिलने कनखल जा पहुंची। सती को देखकर प्रजापति दक्ष क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी ही पुत्री का तिरस्कार करते हुए कहा, जब तुम्हें और तुम्हारे शिव को निमंत्रण ही नहीं दिया गया तो तुम इस यज्ञ में क्या करने आई हो सती? यह उत्तम यज्ञ है, जाओ, यहां तुम्हारी या तुम्हारे शिव के लिए कोई स्थान नहीं है। पिताश्री, आप मेरे स्वामी शिव की निंदा बंद करें। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि बिना शिव की आराधना किए कोई यज्ञ सफल भी हो सकता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है पिताश्री, बहुत बड़ी भूल। भूल? कैसी भूल? इस यज्ञ में जिन देवताओं को उपस्थित होना चाहिए था वे सभी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ संसार को भ्रमित करने वाले तुम्हारे अघोरी शिव की कोई आवश्यकता नहीं है। पिताश्री, मैं फिर कहती हूँ कि शिव निंदा बंद करें। मुझे लज्जा आती है ये कहने में कि मैं आपकी पुत्री हूँ। मैं अब इस देह में रहकर आपकी पुत्री बनना अस्वीकार करती हूँ। मैं अभी इस अग्निकुंड में कूद कर अपनी देह का त्याग करती हूँ।
तीनों लोग व्याकुल हुए तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की दिव्य देह को 51 भागों में विच्छिन्न कर दिया। धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कटकर गिरे वे सभी स्थान शक्तिपीठ बन गए। तंत्र चूड़ामणि में वर्णन मिलता है कि देवी सती का हृदय गब्बर पर्वत पर इसी स्थान पर गिरा था जहां आज ये प्राचीन मंदिर स्थापित है। 999 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भक्त गब्बर पर्वत की चोटी पर पहुंचते हैं जहां मां अम्बा की अखंड ज्योत जो सदियों से प्रज्वलित है श्रद्धालु उसके दर्शन करते हैं। इस प्राचीन मंदिर में मां अम्बा ज्योत स्वरूप विराजमान है। दिव्य ज्योत के साथ साथ गब्बर पर्वत पर मां अम्बा के पद चिन्ह एवं रथ चिन्ह भी विद्यमान है। पृथ्वी पर स्थापित देवी के 51 शक्तिपीठ ब्रह्मांडीय शक्ति के केंद्र माने जाते हैं। वैसे तो अधिकांश शक्तिपीठ भारत में ही स्थित हैं, परंतु इनमें से कुछ विदेशों में यानी बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत में भी स्थित हैं। प्रत्येक श्रद्धालु की ये मनोकामना होती है कि वो इन 51 शक्तिपीठों के दर्शन कर सके, परंतु वर्तमान समय में इन 51 शक्तिपीठों के दर्शन करना हर किसी श्रद्धालु के लिए संभव नहीं है। इस असुविधा के निवारण हेतु या कहें श्रद्धालुओं की 51 शक्तिपीठों के दर्शन की मनोकामना भी इस धाम पर पूर्ण हो जाती है। गब्बर पर्वत की 3 किलोमीटर की परिक्रमा में 51 शक्तिपीठों के मूल मंदिरों की प्रतिकृतियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये सभी मंदिर मूल मंदिर की प्रतिलिपि हैं और इनमें वैसे ही पूजा अर्चना की जाती है जैसे कि मूल मंदिर में होती है। मां आद्य शक्ति के वैसे तो अनेक रूप हैं, लेकिन श्री आरासुरी अंबाजी से जुड़ी एक और कथा जनमानस में प्रचलित है जिसमें मां के दिव्य महिषासुर मर्दिनी के रूप का उल्लेख है। देवी भागवत पुराण में वर्णित ये कथा है महिषासुर की, जिसका संहार मां शक्ति ने किया था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी मनुष्य, पशु या देव नहीं मार सकता। वरदान मिलते ही जब महिषासुर ने तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया, वो अत्याचार का जीवंत प्रतिमान बन चुका था। मेरी शक्तियों के समक्ष अब कोई भी देवता या मनुष्य मुझे परास्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के वरदान से तो मैं अब काल को भी चुनौती दे सकता हूँ। महिषासुर के आतंक को रोकने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सर्वोच्च मूल ब्रह्मांडीय शक्ति महादेवी आद्य शक्ति की पूजा की, जिससे देवी शक्ति ने 10 हाथों सहित देवी दुर्गा का सुंदर रूप धारण किया। लगातार 9 दिन तक चले इस युद्ध के अंतिम 10वें दिन मां दुर्गा ने अपने पवित्र खड्ग से महिषासुर का वध किया और महिषासुर मर्दिनी के नाम से जगत में विख्यात हुए। विष्णु 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 विष्
पत्नी के वात्सल्य रूप को माँ अम्बा माना जाता है। गलबल पर्वत से लगभग 5 किलोमीटर दूर माँ अम्बा का नवनिर्मित निज मंदिर भी स्थापित है। वैसे तो ये मंदिर 1200 वर्ष पुराना है, परंतु वर्ष 1975 में इस मंदिर परिसर के पूर्ण जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ हुआ। ये मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला एवं भारतीय पारंपरिक संस्कृति के लिए भी व्यापक रूप से प्रशंसित है। अद्भुत नक्काशी से परिपूर्ण इस मंदिर के 103 फीट के शीर्ष पर एक स्वर्ण कलश स्थापित है। ये स्वर्ण कलश आरासू पहाड़ियों की खदानों से लाए हुए संगमरमर से बना है, जिसे सोने से मढ़वाया गया है। हवा में लहराता माँ अम्बाजी का ध्वज और उसके साथ राजसी त्रिशूल भी मंदिर के शीर्ष पर सुशोभित है। ये भारत का एकमात्र शक्तिपीठ है जहाँ लगभग 358 स्वर्ण कलश मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। देवी शक्ति को ब्रह्मांड के सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में माना जाता है। श्री आरासुरी माता अम्बा जी के निज मंदिर में देवी की कोई मूर्ति या चित्र नहीं है, बल्कि मंदिर की भीतरी दीवार में गोख जैसी एक गुफा है, जिसमें संगमरमर से निर्मित एक पवित्र वीशा यंत्र स्थापित है। ये भी मान्यता है कि ये वीशा यंत्र नेपाल के मूल यंत्रों और उज्जैन शक्तिपीठों से भी जुड़ा हुआ है। इस वीशा यंत्र में इतना तेज है कि इसकी पूजा यहाँ के पुजारी आज भी आंखों पर पट्टी बांधकर करते हैं। निज मंदिर के पवित्र गोख में विराजमान देवी शक्ति को एक दिन में 3 रूपों में सजाया एवं पूजा जाता है। प्रातः काल में महामंदिर के बाल्य रूप को प्रसाद के रूप में बाल भोग के साथ पूजा जाता है, तो दोपहर को सोने के थाल में राजभोग प्रसाद के साथ यौवन रूप की पूजा की जाती है। सायंकाल में सायं भोज के साथ प्रौढ़ रूप में उन्हें पूजा जाता है। मुख्य मंदिर में स्थापित माँ अम्बा की चांदी की पादुका हो या माँ के गोख के ठीक सामने देवी के पवित्र सिंह की मूर्ति हो, भक्त श्रद्धा भाव से अपना शीश झुकाते हैं। श्रद्धालु माँ के शेर को कंकु पूजा करके पूजते हैं। इसी निज मंदिर के सामने चाचर चौक है, जहाँ एक अखंड ज्योत आज भी प्रज्वलित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस अखंड ज्योत को माँ अम्बा के भक्त अखेराज ने प्रज्वलित किया था। हर युग में माँ अम्बा ने अपने भक्तों का उद्धार किया है और उन भक्तों में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का नाम भी आता है। त्रेता युग में घटित ये किंवदंती आज भी यहाँ सुनाई पड़ती है। माना जाता है कि सीता माता की खोज करते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण अर्बुदा के जंगलों में आए थे। यहाँ उनकी भेंट ऋषि शृंगी से हुई। ऋषि शृंगी ने ही श्री राम को देवी शक्ति की आराधना करने के लिए प्रेरित किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जब देवी की आराधना की तो माँ अम्बा ने उन्हें दर्शन दिए। हे राम, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे जगत जननी, हे सर्वेश्वरी, आपका दर्शन प्राप्त करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। आप सर्वव्यापी हैं, सब जानती हैं। अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहती हैं तो कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे इस संसार का कल्याण हो सके। हे दशरथ नंदन, मुझे ज्ञात है कि आप इस भूलोक पर क्यों अवतरित हुए हैं। मैं आपको दिव्य अजय बाण प्रदान करती हूँ। यह बाण अचूक है, आप इससे
जिस भी काम पर प्रहार करेंगे उसकी मृत्यु निश्चित है। मान्यता है कि इसी अजय बाण से श्री राम ने रावण का वध किया था। श्री आरासुरी माता अमरा जी मंदिर के ठीक पीछे समर्पित अजय माता मंदिर स्थित है। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर कोटेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर विद्यमान है। आज भी ऐसा विश्वास है कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का एक आश्रम इसी स्थान पर स्थापित था। ये पावन स्थान वैदिक कुमारी नदी सरस्वती के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। आस्थाएं युगों के महासागर लांघती हुई समय की धार पर अनवरत यात्रा करती हैं। अम्बा माँ के इस पावन धाम का महत्व भी त्रेता को लांघ कर द्वापर तक चला आया। मान्यता है कि गब्बर पर्वत पर ही भगवान श्री कृष्ण का मुंडन हुआ था। इसी मान्यता के चलते आज भी श्री आरासुरी माता अंबाजी मंदिर के पीछे स्थित मानसरोवर कुंड में लोग मुंडन संस्कार के लिए आते हैं। महाभारत ग्रंथ में भी इस दिव्य स्थान का वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी रुक्मिणी ने भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन गब्बर पहाड़ी पर श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए माँ अम्बा की आराधना की थी। माँ अम्बा ने प्रसन्न होकर उन्हें श्री कृष्ण की अर्धांगिनी होने का आशीर्वाद दिया था। ऐसी मान्यता है कि इस प्रसंग के पश्चात ही इसी दिव्य स्थान पर पहली बार नवरात्रि पर्व गुजराती गरबा शैली में मनाया गया था। के निर्माण कार्य हेतु